आई लाइक इट सो मच. तो पास है, आप भी ट्राई कर सकते हैं. जब भी आपको बहुत जोर से भूख लगी हो ना और आपको कुछ अतरंगी सा खाने का मन करे तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हैं गाइस. माय कॉलेज की रंगत बदल रही है गाइस. हेलो दोस्तों, तो आज मैं खाने वाली हूँ Hello. आज से मेरे एग्जाम हो चुके हैं स्टार्ट. तो क्या खास बात है? और इस वजह से ब्लॉग्स आएंगे डेली. अच्छा. फॉर रेगुलर 5 days. सो अभी मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, फटाफट से ना स्टार्ट करते हैं. तैयार हो जाना. ओके ओके बाय. हाँ ये कर लो पहले. अभी बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, फटाफट सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं जी, खीर बकर की. हेलो दोस्तों. हेलो दादा. तो आज मैं खाने वाली हूँ नमकीन और चाय सिर्फ. चलो. भुवली सो रही है. भुवली? भुवली कौन है? भुवली के एजेंट है. अच्छा. चलो चलते हैं. वैसे तो गाइस मेरा एग्जाम है 2 बजे, पर मैं निकल गई हूँ सुबह ही 8:30 बजे. अच्छा. उसको देखो धूप लगाने में कितना बिजी है. फाइनली पहुंच गए कॉलेज. हमारे कॉलेज की रंगत बदल रही है गाइस. गाइस मेरे दोस्त भी आ गया. अब हम इकट्ठे होके उधर लाइब्रेरी में जाके पढ़ने वाले हैं. सुबह बज रहे हैं 9:30 और 9:30 बजे. हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं. तो हम क्या करें? बैग दे दिए हमने. अब हम घुस रहे हैं लाइब्रेरी में. हमारे लाइब्रेरी के बाहर का व्यू. हमारी लाइब्रेरी सामान लेना भूल गई थी गाइस. अभी मैंने चॉकलेट्स वगैरह लिए. 2 hours later. गाइस आज हमारा एग्जाम होने वाला है स्टार्टर. अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं लैब में. सिर्फ 3 बजे. मुझे बहुत तेज तेज चक्कर आ रहे हैं. अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब. अरे वो लड़की चले गई. इसलिए मैं पढ़ने दिया. और मैंने इसको कह रही हूँ कि तू पढ़ ले सारा, क्योंकि ये मेरे पीछे बैठती आ रही है, मुझे पूरी चीटिंग करवा सकती है. ठीक है, आज तो मेरे को चीटिंग करवाई. गाइस अब हम जा रहे हैं अपना एग्जाम देने के लिए. हमारे लैब कोट वगैरह सब रेडी हो गए. ये हम आए थे किसी लैब में. बहुत मस्त है यहाँ पे. अच्छी अच्छी चीजें, मतलब जो हमें पढ़ाया वो सब यहाँ पे है अभी. 3 hours later. Hi guys, आ गई मैं अपने घर पे वापस और हो गया मेरा एग्जाम. मेरे हालातों को देख के आपको पता चल गया होगा मेरा एग्जाम किस तरह का हुआ है, क्योंकि वो हमेशा मेरा ड्रग्स का एग्जाम ना ऐसा ही होता है. बस क्या ही बताऊं. आकर मैं सुबह खाना नहीं खा के गई थी, आपको पता तो है. शाम के 5 बज रहे हैं गाइज. और मैं बता अभी क्या बना रही हूँ. ये देखो, ये सीजनिंग है. ये है कोरियन रामियन की सीजनिंग और है मैगी मसाला. इन सबको मैंने देखो क्या किया. इन सबको मैंने इसमें डाला और इसके अंदर डाला थोड़ा सा पानी. जब भी आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो ना और आपको कुछ अतरंगी सा खाने का मन करे तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हैं गाइस. मतलब कि अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ मैगी. तो मैं लाई नहीं और मेरा मन भी नहीं है सच में मैगी खाने का, पर मैगी जैसा कुछ खाने का मन है इसलिए मैंने लिया ये पास्ता मैक्रोनी. अब इसको डालेंगे इसके अंदर और बॉईल करेंगे और बिल्कुल मैगी की तरह ही बनाएंगे, पर टेस्ट अलग आता है इसका. और सच में आप भी ट्राई करना, पर मज़ा आएगा मेरी रेसिपी गाइस. और अगर आप इसके अंदर कोई कोरियन सीजनिंग नहीं डाल रहे ना, तब आप इसके अंदर नमक मिर्च थोड़ा एक्स्ट्रा डाल लेना, बाकी बड़ा टेस्टी लगेगा. अभी खिलाते हैं रुको. तो मेरा ये पानी बॉईल हो चुका है. अब इसके अंदर डालेंगे ये मैक्रोनी. देखो गाइस क्या मस्त मस्त कलर आया है यार. मेरा कैमरा ना अच्छे कलर्स नहीं दिखाता.
सच्चाई का कलर तो कुछ डार्क सा है, बड़ा टेस्टी सा। और अब साथ में पियेंगे हम चाय, जो मैं आज कर पीती हूँ। देखता हूँ मेरा कैसा भी हुआ हो, चाय का काम तो चाय ही करती है। नहीं यार, मेरा एग्जाम इतना भी बुरा नहीं हुआ, पर हुआ क्योंकि ये ड्रग्स का एग्जाम था गाइस। कैसा तो था ना? क्या ये चीज़ जी? स्पाइसी टेस्टी टेस्टी भी थी। देखो बन गया, अब मैं खाने वाली हूँ। मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी है क्योंकि मज़ा आ रहा है सुन सुन के। लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। गाइस ये बहुत स्पाइसी है, तभी मैंने दो 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 कटोरी खा ली। मैंने गाइस इससे पहले रोटी खा ली है, अब खा रही हूँ मैं ये। मुझे बेचारी पानी पी थी ना, तीन ग्लास। टेस्टी है, मैगी से ज़्यादा टेस्टी है, गोल्डन रैमिया नहीं लग रहा एग्जैक्टली। आई लाइक इट सो मच। तो पास है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अरे यार धूप ही धूप आ रही है।